तो दोस्तों आज के बेहद ही शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक है हमारी कूलर की कूलिंग से संबंधित टॉपिक कि आखिर एक कूलर का काम करने का तरीका क्या होता है और आप उससे प्रॉपर कूलिंग किस प्रकार से पा सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रकार के सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा और दोस्तों आपको इस वीडियो में ये जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा कि आपको किस प्रकार का कूलर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है रोहित, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल द हिंदुस्तानी अनबॉक्सर में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि कूलर के काम करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों कूलर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कूलर हमारा जो है मतलब तीन चार चीजों से मिलकर बनता है। हमारी उसमें मोटर होती है, ब्लोअर होता है यानी एक पंखा होता है, और उसके चारों तरफ या तो हमारी खस होती है, मतलब दो प्रकार की खस आती है, एक बड़बड़ वाली आती है और एक आती है हनीकॉम्ब। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आपस में मिला देने से और एक वाटर टैंक लगा देने के बाद एक कूलर कंप्लीट हो जाता है। और कूलर में क्या होता है, जब वो हमारा पंखा काम मतलब पंखा जब घूमने लगता है तो जो हमारी जो खस होती है तीनों तरफ उसमें हमारा पानी का रिसाव होता है, जिससे वो पूरी गीली हो जाती है। और दोस्तों उसके अंदर से जो हवा बहती है वही हवा हमें ठंडा करती है। तो इस कंडीशन को पूरा फिलफिल करने के लिए दोस्तों कुछ चीज़ों की आवश्यकता और होगी आपको। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों कूलर कभी भी आपको ड्राई कंडीशन में कूलिंग देगा। अगर आपके एरिया में ज़्यादा मतलब मॉइस्चर या मतलब वातावरण में थोड़ी सी नमी भी है तो उस कंडीशन में आपका कूलर आपको कूलिंग तो देगा अगर आप कूलर के जस्ट सामने बैठेंगे। अगर लेकिन आप थोड़ा सा भी आउट साइड जाएंगे, कई बार आपने देखा होगा अपने घरों में कि जिस एरिया में कूलर चलता है उसके थोड़े से आउट साइड बहुत तेज एकदम भाप जैसा सब गरम गरम महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों कूलर से प्रॉपर कूलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कूलर को एक सही पोजीशन में रखना बहुत आवश्यक है, मतलब बहुत आवश्यक है। और कूलर में वेंटिलेशन का होना भी बहुत आवश्यक है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि हवा आई कूलर के अंदर से होती हुई बाहर निकल गई और उसके बाद सीधी घर के बाहर पहुंच जाए, तो उससे क्या हवा का एक सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे क्या है कि वातावरण में जो नमी है दोस्तों वो घर के बाहर चली जाती है और कूलर हमारा प्रॉपर कूलिंग करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपका जो कूलर है आप एक ऐसे एरिया में रखिए, अगर कूलर के आउट साइड आसपास पीछे कहीं खिड़की वगैरह हो तो कूलर को सबसे पहले आप वहाँ रखिए। और अगर आप कोशिश कर सकें, अगर आपके घर में अगर व्यवस्था हो तो आप एक हमारा प्रॉपर हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन बाहर की तरफ उसका आप फ्लो कर दीजिए, जिससे क्या होगा कूलर ठंडी हवा लेगा, मॉइस्चर तो हवा हमारी वातावरण में जाएगी और जो गर्म हवा होती है जिसमें हमारी नमी होती है वो ऊपर उठती है और उसके जरिए एग्जॉस्ट के जरिए बाहर चली जाएगी। तो एक सर्कुलेशन टाइप का बन जाएगा घर के अंदर, जिससे क्या होगा कि मतलब प्रॉपर कूलिंग, मतलब बहुत ठंडा एहसास होगा आपको, मतलब अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये कूलर के काम करने का तरीका। और रही बात अगर आप के मन में एक सवाल पैदा होता होगा कि ये टेक्नोलॉजी वाला कूलर ले लो, वो वाली टेक्नोलॉजी वाला कूलर ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। बस कूलर के अंदर बस दो चीज़ खास होती है, एक तो उसकी मोटर और दोस्तों उसकी मतलब प्रॉपर है वो होना चाहिए। अगर आप उसमें हनीकॉम्ब पैड ले लें तो दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी मोटाई ज़्यादा होती है और उसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार तरीके से होता है, जिससे क्या वो लंबे समय तक चलता भी है और उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है। और आप उसके अलावा एक थोड़ी सी ज़्यादा वाटर टैंक कैपेसिटी वाला कूलर ले सकते हैं, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों उसके अलावा एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए कि जो कूलर का जो पानी है उसमें एक पानी रिमूव करने का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बड़ी वाटर टैंक कैपेसिटी वाले कूलर का पानी धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी उसमें बदबू टाइप की आने लगती है। तो दोस्तों इन तीन चार बातों का बस ध्यान रखिए, बाकी और कोई टेक्नोलॉजी पे आप ध्यान ना दें। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कूलर की कि जो कूलर है उसमें दोस्तों ग्रिल होना चाहिए, क्योंकि क्या है कई बार हम जब सोते हैं या फिर कूलर की हवा लेते हैं तो रूम बड़ा होता है तो उसमें चारों तरफ वो हवा दे सके, मतलब उसे हम बाकायदा उस ग्रिल को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, जिससे इस तरफ बैठे बंदे को भी हवा लगे, इस तरफ बैठे बंदे को भी हवा लगे। और आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई कूलर में दोस्तों, वो ब्लोअर, हमारा ब्लोअर होता है जो कि ऑटोमेटिक स्विंग करता है, स्विंग मोटर लगी होती है। तो दोस्तों इन तीन चार चीज़ों का बस ध्यान रखें कूलर में। उसके अलावा जो और फालतू की जो टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन वगैरह, तो ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कूलर है वो ना कि एक एसी है। एसी के अंदर कई सारे फंक्शन आते हैं। तो एक सादा कूलर लीजिए आप, आपकी यहाँ चॉइस है वो, आप एक पर्सनल कूलर लेना चाहते हैं छोटा कूलर ले सकते हैं, और अगर बड़ा कूलर लेना चाहते हैं तो आप डेजर्ट कूलर ले सकते हैं। बाकी कूलर के अंदर कुछ नहीं होता, कोई टेक्नोलॉजी कुछ काम नहीं करती, बिल्कुल सादी मशीन, एक पंखा होता है जो कि पानी के जरिए हमें ठंडी हवा देता है। तो दोस्तों इन तीन चार चीज़ों को आप ध्यान रखें, और मैंने जिस प्रकार से बताया कि आप किस प्रकार से कूलर को सेट करें कि उसमें पूरा हवा का पूरा सर्कुलेशन चले, तो आपको उस कूलर से बहुत ही ठंडी और मतलब बेहद ही शानदार कूलिंग देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन और पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के वीडियो मैं आगे लाता रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो ला के दूंगा कि कूलर की 5 खासियत क्या होना चाहिए, जो कि बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको, बस 5 खासियत है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।